अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम करते हैं परी कुकिंग चैनल में। तो उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ दही बड़े अफ्तारी के लिए। माशाल्लाह से रमज़ान का दूसरा रोज़ा है आज। तो आज की इफ्तारी में मैं बना रही हूँ दही बड़े, और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी आवाज़ यकीन कम आ रही होगी, मैंने घर पे दही बनाया है। घर में दही बनाने का तरीका भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ना रोटी का नवाला है, इसे निकाल देंगे। इसी दिन ना मैं दही का जाग लगाना ना आप लोगों को सिखाऊंगी। इसको निकाल देंगे। वो रोटी का टुकड़ा मैंने खुद डाला था, उससे ये होता है कि दही अच्छा होता है, ज़्यादा खट्टा नहीं बनता दही इसमें। इसको अच्छे से फेंटूंगी दही को। और यहाँ पे ऐड करूंगी इसमें चाट मसाला 1 चम्मच एंड 2 चम्मच, 2 चम्मच इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे। धनिया थोड़ा सा और डालूंगी। अब यहाँ पे मैं डालूंगी हरी मिर्चें और टमाटर। एक बड़े साइज का मिर्चें थी 3 से 4, उसे बारीक बारीक से काट लिया। टमाटर एक ही था बड़े साइज का, उसे बारीक काट लिया। एक बड़े साइज का प्याज, इसे डालेंगे, मिक्स करूंगी। और यहाँ पे है बड़े मेरे पास, इसे मैं छोटे करके डालूंगी, ऐसे करके। यकीनन आप लोगों को मेरी आवाज़ कम आ रही होगी आज, इसलिए कि मेरा मुंह खुश्क है रोज़े की वजह से। इसे हिलाएंगे। और ये है फुलकियाँ, और वो ये दो तरह की फुलकियाँ। इसे मैंने गर्म कोसे पानी में भिगो दिया था घंटे के लिए, इसे डालेंगे। और देखिए, और यहाँ पे है सूखा धनिया, सूखा हरा जो मैंने सुखा के रखा हुआ था, इसे ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करूँगी। इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो है आलू। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। रमज़ान की इफ्तारी में ना, रोज़े की इफ्तारी में टाइम कम था, तो मैंने जल्दी जल्दी से बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें आलू को मैंने काट के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे काट के ना बारीक बारीक से, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। इसे मैंने पानी में बॉयल करने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के। जैसे ये बॉयल हो जाएंगे तो इसे टोकरी से छान के, छन्नी से ठंडे करके, तो दही बड़े में डाल देंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है, बस इसमें ना आलू डालने हैं, बस बाकी ये कंप्लीट है। अगर आप लोगों को हमारी दही बड़े की रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो अगली रेसिपी तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अब सबको रमज़ान मुबारक। तो अल्लाह हाफिज़।